फार्माकोलॉजी में चैप्टर चल रहा है थेरेपेटिक एजेंट, और थेरेपेटिक एजेंट का लेक्चर नंबर आज 10 है। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग एंटी अमीबिक एजेंट मींस अमीबिक इन्फेक्शन, अमीबा के थ्रू कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे डायरिया हो जाती थी किसकी वजह से, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से, है ना, और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो अमीबिक इन्फेक्शन से होती हैं, तो वो सारी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए भाई जाहिर सी बात नाम क्या, एंटी अमीबा, है ना, एंटी अमीबिक एजेंट। तो अमीबा की वजह से जो बॉडी में बीमारी या एबनॉर्मेलिटी या डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो भी कह लो हुआ, उसको ठीक करने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उन दवाओं को बोलते हैं एंटी अमीबिक एजेंट, राइट। तो शुरू करते हैं भाई, एंटी अमीबिक एजेंट क्या है। तो अमीबिक एजेंट से होने वाली जो बीमारी है उसको हम अमीबियासिस बोलते हैं, क्या, अमीबियासिस। तो अमीबियासिस इज द प्रोटोजोअल डिजीज, कैसी है, प्रोटोजोअल डिजीज, और किस प्रोटोजोआ से होती है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम अमीबियासिस बोलते हैं। अमीबियासिस कैन बी क्लासिफाइड एज दो तरीके से, एक इंटेस्टाइनल, एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल का मतलब अगर हमारी जीआईटी ट्रैक को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को या इंटेस्टाइन को अगर इन्फेक्शन हो रहा है अमीबा की वजह से, उसको हम इंटेस्टाइनल अमीबियासिस बोलते हैं। और अगर इंटेस्टाइन के अलावा किसी ऑर्गन को, जैसे लीवर हो गया या लंग हो गया, ये अगर इन्फेक्टेड होते हैं अमीबा की वजह से, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, मीन्स इंटेस्टाइन के बाहर, इंटेस्टाइन के अलावा जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल बोलते हैं। तो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस विद सिम्टम कौन से, जैसे डिसेंट्री हो गया, है ना, अमीबोमा हो गया। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में भी अफेक्ट किसको, जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गया या ब्रेन हो गया, इनमें जब इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। अगर हम सिंपली लाइफ साइकिल की बात करें, कैसे लाइफ साइकिल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो बेसिकली दो फॉर्म में डिवाइडेड होती है। एक होता है इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, और इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है उसे बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का एक्टिव पार्ट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिस्ट क्या एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो क्या बोलोगे आप, इनएक्टिव पार्ट होता है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का एक्टिव पार्ट कौन सा, ट्रोफोजॉइट। चूंकि कंप्लीट पूरी लाइफ साइकिल हमारे सिलेबस में नहीं है, वो क्या करता क्या नहीं करता इससे हमें लेना देना नहीं, अल्टीमेटली वो कॉजिटिव एजेंट है और क्या कॉज करता है बस वही। सिस्ट बेसिकली इंटेस्टाइन में इंटर करता है बाय द कंटामिनेशन, अब चाहे कंटामिनेटेड फूड हो, चाहे कंटामिनेटेड वाटर हो, है ना, बेसिकली डायरिया वगैरह, जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन रहती है, मींस अनहाइजीनिक, इम्प्योर पानी पी लिया, कंटामिनेटेड फूड खा लिया, ठीक कहीं हाथ टच किया मुंह में लगा लिया, तो इस तरीके से अमीबा की एंट्री हमारी इंटेस्टाइन में सिस्ट के फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में। हमारी बॉडी के अंदर जाते ही वो क्या है, अपनी साइकिल स्टार्ट कर देता है, और इन इंटेस्टाइन ट्रोफोजॉइट आर रिलीज, इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तो सिस्ट से ट्रोफोजॉइट रिलीज होता है। तो ट्रोफोजॉइट क्या है, ये इन्फेक्टिव पार्ट मींस कॉजिटिव एजेंट, मींस इस स्टेज में वो प्रॉब्लम को कॉज करेगा। तो जब सिस्ट से ट्रोफोजॉइट रिलीज होता है तो ट्रोफोजॉइट है जिसकी वजह से अमीबियासिस कॉज होती है। ट्रोफोजॉइट में भी रिमेन इन द कोलन और इनवेड द ऑर्गन लाइक लीवर, या तो वो हमारे कोलन में ही रहेगा, इंटेस्टाइन के ही पार्ट में रहेगा, या फिर वहाँ से चल के, ठीक है, मीन्स वहाँ की सेल से निकल के दूसरे किसी ऑर्गन पे चला जाएगा और उस ऑर्गन को जाके इन्फेक्ट करेगा। सिस्ट बेसिकली एसिम्टोमेटिक, जब तक सिस्ट रहता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म रहता है, जब इनएक्टिव पार्ट रहेगा तो जाहिर सी बात सिम्टम नहीं दिखेंगे, सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, क्यों, क्योंकि सिस्ट तो इनएक्टिव है, ओके। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से डायरेक्ट हमको सिस्ट मिला, और ट्रोफोजॉइड जिसको हम इंटेस्टाइनल अमीबियासिस बोलते हैं, फिर ये भाई इंटेस्टाइन में रहा तो सिस्ट, उसके बाद इंटेस्टाइन से घुस गया टिश्यूज में, टिश्यू में इन्फेक्शन शुरू कर दिया, तो वहाँ पे किसने इन्फेक्शन किया, सिस्ट ने नहीं किया, क्योंकि वो तो इनएक्टिव पार्ट है,
ट्रोफोजाइट ने किया, ट्रोफोजाइट ने इन्फेक्शन कॉज किया। तो बेसिकली हमारा कॉज किसकी वजह से, एमीबियासिस किसकी वजह से कॉज हो रही है, ट्रोफोजाइट की वजह से है। ठीक है, अगर हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन यानी एंटी अमीबिक एजेंट की बात करें तो टिश्यू अमीबिसाइट जो टिश्यू में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, दूसरा ल्यूमिनल अमीबिसाइट मीन्स टिश्यू में अमीबा को किल करने वाले, या फिर ल्यूमेन में अमीबा को किल करने वाले, दो तरीके से, है ना। तो दो तरीके से ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है। तो टिश्यू में अमीबा को किल करने वाले इंटेस्टाइनल भी होंगे और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल भी होंगे, बोथ इंटेस्टाइनल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। ड्रग्स सारी ड्रग्स से वेल अवेयर हो, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, सेक्निडाजोल, एमेटिन और डिहाइड्रोएमेटिन, है ना। तो सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनका नाम हम, चूँकि डायरिया हो गई, वोमिट हो गई, ये सब जो है बड़ी कॉमन सी बीमारी हर घर में जो है साल में एक आध बार देखने को मिल जाती है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई दवा इस्तेमाल होती है। ओके, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस ओनली, जो क्लोरोक्विन है ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा अमीबियासिस के केस में इस्तेमाल की जाती है। अगर हमने, वैसे तो मलेरिया में भी काम करती है, एंटी एरिदमिक ड्रग है, मीन्स कई चीज़ों में काम करती है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर हमने दिया है तो वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के लिए है। ओके, ल्यूमिनल अमीबिसाइट की बात करें, डायलॉक्सेन फ्यूरेट, हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलोन और टेट्रासाइक्लिन। फिर याद करो प्रीवियस में, ये तो खैर ओल्ड सिलेबस में था ना, एंटी अमीबिक एजेंट जो ओल्ड सिलेबस वाले पढ़ रहे हैं वहाँ केमिस्ट्री में एंटी अमीबिक एजेंट हमने पढ़ा था, और डायलॉक्सेन फ्यूरेट हो गया, है ना, हैलोजिनेटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इन सब के बारे में हमने स्टडी करी थी वहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली दो पार्ट में, टिश्यू अमीबिसाइट और ल्यूमिनल अमीबिसाइट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं। मेन मेन ड्रग्स जैसे मेट्रोनिडाजोल की बात करें, प्रोटोटाइप ड्रग है, तो मेट्रोनिडाजोल एक दो ड्रग के बारे में बात करेंगे, फिर एंटी अमीबिक एजेंट या केमोथेरेपी ऑफ एंटी अमीबिक एजेंट आता है तो आपको यही एक्सप्लेन कर देना है, बहुत ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटोटाइप ड्रग है जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1959 में, बैक्टीरियासाइडल अगेंस्ट द जियार्डिका लैम्बिया। ठीक, तो जियार्डिका लैम्बिया पे एक्चुअली डिस्कवरी हो रही थी और वहाँ पे मेट्रोनिडाजोल एज ए अमीबिसाइडल मीन्स इसको किल करने वाली दवा 1959 में ऐसा आइसोलेट किया गया था। ठीक है, बैक्टीरियासाइडल ड्रग थी और मिली किसमें, जिरार्डिया लिम्बिका में। एनिरोबिक बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, है ना, फ्यूजोबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंज डिफिसियल, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी और एनिरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई। बेसिकली कुछ एरोबिक बैक्टीरिया पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। और वैसे भी ये ड्रग कैसी है, एंटी अमीबा, यानी ये किस पे एंटी, बेसिकली एंटेमीबा हिस्टोलिटिका या अमीबिक डिसेंट्री जो हो जाती है या अमीबियासिस हो जाती है मेट्रोनिडाजोल, उनके ऊपर एक्ट करती है। एडिशनली इसका एक्शन जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर भी देखा गया है कि एनएरोबिक बैक्टीरिया को भी किल करने में मेट्रोनिडाजोल सक्षम है, और अमीबियासिस के लिए तो है ही है। ओके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम साइडल एक्शन ऑफ प्रोटोजोआ, फॉर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअल डिजीज जो है, अब ये जो मेट्रोनिडाजोल है इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम किलिंग एजेंट है, ये किलिंग मशीन है, किसको, किसके लिए, प्रोटोजोआ के लिए, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। ठीक है, जैसे एंटी एमीबियासिस ये किल कर देता है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजॉइड को, और ट्रोफोजॉइड ही एक्टिव फॉर्म होता है किसका, हमारे एंटेमीबा हिस्टोलिटिका का, बट नॉट सिस्ट। देखो पॉइंट क्या है, जब तक कोई नुकसान नहीं करेगा, सीधा ये ड्रग बोलती है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मतलब ये कि जब तक सिस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में बने हो हमको नुकसान नहीं है तब तक हम कुछ नहीं, लेकिन जहां तुम सिस्ट से ट्रोफोजॉइड में बदले वही एंट अमीबा या मेट्रोनिडाजोल तुरंत तुमको किल कर देगा, मतलब सिस्ट के फॉर्म में कोई एक्शन नहीं, जैसे ही ट्रोफोजॉइड में बदलेगा एंटेमीबा हिस्टोलिटिका वैसे ही मेट्रोनिडाजोल उसको किल कर देगा। ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टिश्यू इन्फेक्शन, चाहे पाताल में घुसा हो, मींस किसी भी टिश्यू के अंदर जाके छुप जाए एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, ये मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग है ये वहां से ढूंढ के निकालेगी और वहां जाके उसको किल कर देगी।
ठीक है, मींस ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टिश्यू इन्फेक्शन, और साथ ही साथ टिश्यू को किसी तरीके से कोई नुकसान भी नहीं होता, नो इफेक्ट अगेंस्ट द ल्यूमिनल पैरासाइट एंड सो मस्ट बी यूज्ड इन द ल्यूमिनल अमीबिसाइट इंश्योर द इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। मींस मेट्रोनिडाजोल देते ही कहीं पे भी छुपा हो, बस शर्त सिर्फ ये है कि वो ट्रोफोजॉइट के फॉर्म में होना चाहिए, सिस्ट के फॉर्म में। मेट्रोनिडाजोल किसी तरीके से एंटमीबा हिस्टोलिटिका को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जैसे ही वो जो है डेंजरस हुआ, मेट्रोनिडाजोल कहता हम तुमसे ज्यादा डेंजरस हैं, किल कर देता है चाहे जहां छुपा हो। ओके, दूसरा एंटी एंटी क्राइमोनियासिस, एंटी एनिरोबिक बैक्टीरिया, एंटी जियार्डियासिस, ये एडिशनल वर्क है मेट्रोनिडाजोल के, है ना। एडिशनली इस तरह के इन्फेक्शन में मेट्रोनिडाजोल का यूज होता है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है इंटेस्टाइन में, यानी ओरल रूट सफिशियंट है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बॉडी में, अगर हम टी हाफ की बात करें तो 8 घंटे तक ये हमारी बॉडी में बराबर रहती, फिर निकलना शुरू हो जाती। थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन वजाइनल सिक्रीशन, सीमेन, सलाइवा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी इसका कॉन्सेंट्रेशन, मींस ब्लड ब्रेन बैरियर को ये इजीली क्रॉस कर जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल होता है, क्योंकि ओरली एब्जॉर्ब, ओरल जो भी होगा वो ओरली अच्छे से जो एब्जॉर्ब हो जाता है और इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो ओरली भी और पेरेंट्रली तो खैर सारी की सारी होती ही हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एनोरेक्सिया, नोजिया, और इसको लेने के बाद मुंह का टेस्ट मेटैलिक सा टेस्ट, ब्लेंड टेस्ट आना शुरू हो जाता है ना। डोज की बात करें 600 से 800 mg ओरली 3 टाइम दिया जाता है फॉर 5 to 10 days। अगर किसी पेशेंट को एमीबियासिस हो गई है तो 600 से 500 mg मेट्रोनिडाजोल की दिन में 3 बार 5 से 10 दिन तक दी जाती है, चाहे जितनी खतरनाक डिजीज़ हो गई हो आराम से ठीक हो जाती है। अगर इंडिकेशन की बात करें तो जो भी सिम्टोमेटिक फॉर्म है, चाहे वो जियार्डियासिस के थ्रू हो, ट्राइकोमोनियासिस के फॉर्म में हो, एनिरोबिक इन्फेक्शन हो जैसे क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन, प्रोफाइलेक्सिस पोस्ट सर्जिकल एब्डोमिनल पेल्विक इन्फेक्शन, मीन्स सर्जरी वगैरह जब होती हैं तो बाद में इन्फेक्शन हो जाते हैं, कहीं भी कुछ अनहाइजीनिक टच हो गया तो अमीबिक डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का अगर इन्फेक्शन हो, तो ऐसे जितने भी सिम्टम्स या इंडिकेशन बॉडी में मिलते हैं उन सब के ट्रीटमेंट के लिए मेट्रोनिडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है या मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस कंडीशन में नहीं दे सकते। अगर पेशेंट की या पेशेंट की किसी फैमिली की हाइपर सेंसिटिविटी है अगेंस्ट द मेट्रोनिडाजोल, तो ऐसे पेशेंट को भी ये दवा नहीं दी जा सकती, राइट। ब्लड डिस्कैरियासिस है किसी को, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है किसी को, साइकिक डिसऑर्डर्स आते हों, क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, बहुत दारू पीता हो, लीवर डैमेज हो गया हो, किडनी डैमेज हो गई हो, तो ऐसे पेशेंट को भी नहीं देते। स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स को दे सकते हैं, लेकिन जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरुआत के 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं, उन फीमेल्स को भी ये नहीं देते, राइट। ट्राइमेस्टर के बाद इजीली ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा ड्रग का नाम आता है एमेटिन और एमेटिन के डेरिवेटिव। तो इमिटिन एक तरह का एल्कलॉइड है, हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी में प्रीवियस ईयर में पढ़ा है, रूट ऑफ सिफेलिस इपेकोन्हा, सिफेलिस इपेकोन्हा से इमिटिन एल्कलॉइड का एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन किया जाता है, जिसका एंटी एमीबिक एक्शन होता है, एंटी एमीबिक एक्शन होता है। एमिटिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट द ट्रोफोजाइट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक वैसे ही जैसे मेट्रोनिडाजोल था वैसे ही इमिटिन भी एंटमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजॉइड को पे एक्शन करता है। ये भी सेम वही है, इनइफेक्टिव होता है जब तक वो सिस्ट के फॉर्म में, मींस कायदे में रहोगे तो। ओके, इट एक्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग द डीजनरेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड रेटिकुलेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, है ना, प्रोड्यूसिंग डीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियस को डीजनरेट कर देते हैं, साइटोप्लाज्म के रेटिकुलम को डीजनरेट कर देते हैं। दिस अरेस्ट द मल्टीप्लीकेशन, जिसकी वजह से ट्रोफोजॉइट का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाता, और इसको क्या फेगोसाइटोसिस के थ्रू पकड़ लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है ना, कि मीन्स ये अपना कॉलोनी आगे नहीं बढ़ा सकता।
अगर हम एडीएमई की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, तो एमेटिन का पहले तो टेस्ट बहुत बिटर होता है, दूसरा प्रोड्यूस करता है वोमिट, है ना, इट प्रोड्यूसेस वोमिट, सो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। एमेटिन है ना, ये एमेटिन कॉज करता है, वोमिट कॉज करता है, एमेटिन एंटी एमेटिक नहीं है, वोमिट को कॉज करता है, एंड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन लीवर, स्लोली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ये लीवर में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद भी डिटॉक्सीफाई होकर काफ़ी हद तक कॉन्सेंट्रेशन और काफ़ी समय तक लीवर में ही रहता है, और जितना भी मेटाबोलाइज होकर ब्लड में आता है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। अगर एमेटिन के एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो लोकल इरिटेशन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट होते हैं। लोकल इरिटेशन की बात करें तो पेन, टेंडरनेस, मसल वीकनेस, साइट ऑफ कहाँ पे, जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पे टेंडरनेस मीन्स खिंचाव टाइप का रहता है, मसल्स वीक हो जाती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट की बात करें अगर हम, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, है ना, गैस्ट्रिक इरिटेशन और स्टिमुलेशन, CTZ रिसेप्टर्स, है ना, CT केमोथेरेपेटिक जोन को क्या कर देते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं, है ना, स्टिमुलेट कर देते हैं, तो ये क्या है, इनके एडवर्स इफेक्ट हैं। दूसरा कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ECG में एबनॉर्मेलिटी आ जाती हैं, कुछ मिसलेनियस एडवर्स इफेक्ट है जैसे इसको लेने से फटीग, हेडक, प्रोटीनूरिया और स्किन रेसेस जैसी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। प्रिपरेशन और डोज की बात करें तो एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, इसका इंजेक्शन 30-60 mg डेली सबक्यूटेनियस या डीप इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ये दिया जाता है। अगर थेरेपेटिक यूज की बात करें तो लंग फ्लूक इन्फेस्टेशन, राइट, इंटेस्टाइनल या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में एमेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी डिहाइड्रो एमेटिन, ये भी डेरिवेटिव होता है उसी एल्कोलॉइड का जो सिफेलिस हिपेकाउन्हा से आइसोलेट किया गया था, एमेटिन एल्कोलॉइड उसी का डेरिवेटिव है, उसी का सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक फॉर्म कह सकते हो डिहाइड्रो एमेटिन, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ एमेटिन। ओके, तो जाहिर सी बात है सिमिलर एक्शन है, लेकिन कुछ तो एडवांटेज होगा तभी तो ये दवा भी बनाई गई, अदरवाइज एमेटिन में क्या कमी थी, राइट। तो एमेटिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, एडवर्स इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, खासकर कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट जो कि वाकई में डेंजरस हो सकते हैं, तो इन कंपैरिजन टू इमेटिन डिहाइड्रोक्सी इमेटिन उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट बहुत कम है। दूसरा, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड एज द डिहाइड्रो इमेटिन रेजिनेट 50 mg बाई माउथ 10 दिन तक, है ना, डिहाइड्रो एमेटिन रेजिनेट के फॉर्म में इसका फॉर्मुलेशन। दूसरा, डिहाइड्रो एमेटिन का इंजेक्शन आता है 50 mg इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, ये भी लगभग 10 दिन तक, जिससे पेशेंट को अगर एमीबियासिस हो गई है तो उससे उसको ट्रीटमेंट में आराम मिलता है। क्लोरोक्विन की बात करें, स्पेशली किसके लिए, स्पेशली एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोक्विन काफ़ी कुछ वेल अवेयर हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, फार्माकोलॉजी में भी पढ़े हैं, और अभी भी 4-अमीनो क्विनोलिन, क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, है ना, जब क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर बताया था तो, एक्टिंग डायरेक्टली ओवर द ट्रोफोजाइट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, मैक्सिमम जितनी ड्रग्स हैं वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका को किल करने में मदद करती हैं। यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में, डायलॉक्सानाइड फ्यूरोएट के कॉम्बिनेशन में, ट्रीट प्रिवेंट द अमीबिक लीवर एब्सेसेस हो जाते हैं। ओके, इट एलिमिनेट द ट्रोफोजाइट इन लीवर एब्सेसेस, लीवर में बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से, तो ये क्लोरोक्विन क्या करती है, वहाँ से उसको एक्सक्रीट करने में मदद करती है, बट इट इज़ नॉट यूजफुल इन ट्रीटिंग द ल्यूमिनल एमीबियासिस। तो बेसिकली मैंने बताया है क्लासिफिकेशन में, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। तो अगर इंटेस्टाइनल या ल्यूमिनल अमीबियासिस है तो वहाँ पे क्लोरोक्विन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही बात कही जा रही, इट इज़ नॉट यूजफुल इन ट्रीटिंग द ल्यूमिनल अमीबियासिस, इट इज़ ओनली यूजफुल टू ट्रीटमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। मीन्स किसी ऑर्गन में
इंटेस्टाइन को छोड़ के, चाहे लीवर की बात करो, चाहे लंग की बात करो, चाहे ब्रेन की बात करो, वहाँ पे कहीं पे भी अमीबियासिस है तो क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेशन की बात करें तो इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग द सिम्टम ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वहाँ पे भी मदद करता है। वेरी इफेक्टिव इन डिस्क्वायर्ड ल्यूपस एरिथेमेटस डिजीज, बट इफेक्ट बिकम लेस व्हेन यूज द सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। तो डिस्क्वायर्ड ल्यूपस एरिथेमेटस हुआ तो वहाँ तो असर करता है, लेकिन सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस हुआ तो वहाँ पर इसका असर कम हो जाता है। और क्या सबसे खास एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, फोटोजेनिक रिएक्शंस अगर कहीं हो रही हैं, पोरफायरिया क्यूटेनिया टर्डा प्रोवाइड द सिम्टोमेटिक रिलीफ इन इन्फेक्शन ऑफ मोनोन्यूक्लियोसाइडेसिस या मोनोन्यूक्लियोसिस, है ना, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वहाँ पे क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए एंटी एमीबिक एजेंट। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, भूख मर जाती, हेडक हो जाता, डायरिया, है ना, मूड स्विंग या मेंटल चेंजेस, स्टमक क्रैम्स, अपसेट, हेयर लॉस हो जाता है टेम्परेरी तौर पे, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, माइल्ड मसल वीकनेस, ये बड़े कॉमन से एडवर्स इफेक्ट हैं जो सब में दिखाई देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका थोड़ा स्पेशल टाइप का है, लेकिन जो हमने बताए हैं यूनिवर्सल कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर याद रहें तो ये बहुत अच्छे हैं और प्लस MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने पड़ेंगे। पीपल डिफिशियंट, अगर किसी इंसान में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज 6 GPD, है ना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो ऐसे पेशेंट को कभी भी ये ड्रग नहीं देते। दूसरा, कोई पेशेंट एनीमिक है, एनीमिया है उसको, और उसके पीछे का रीजन क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज या पाइरुवेट काइनेज की अगर डिफिशियंसी है तो नहीं दे सकते। लीवर प्रॉब्लम, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस है, सोरियासिस है, सीजर्स आते हैं, तो इन सब कंडीशन में ये ड्रग नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स की। देखो, जैसे जैसे जितने बड़े नंबर में पूछा जाए उसी हिसाब से आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। कम नंबर में पूछा जाए नंबर ऑफ ड्रग्स कम कर दो, क्लासिफिकेशन और क्या होता है इंट्रोडक्शन सब में लिखना। 5 नंबर में पूछा जाए ड्रग्स बढ़ा दो, 3 नंबर में पूछा जाए कम ड्रग्स, क्योंकि देखो स्पेसिफिक इसमें कभी भी स्पेसिफिक ड्रग के नाम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना पूछा जाएगा। ड्रग विच बिलोंग्स टू दिस ग्रुप डाई आयोडो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ठीक है, तो हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सी क्विनोलिन में कौन सी ड्रग आएंगी, डाई आयोडो, हेलोजिनेशन हो गया भाई, हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का हेलोजिनेशन हो गया। अब हेलोजिनेशन में चाहे क्लोरो कर दो, चाहे आयोडो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन कर दो या डाई आयोडो, तो ये क्या है, डाई आयोडो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। दूसरा, आयोडो क्लोरो, एक पॉइंट पे आयोडीन लगाए, एक पॉइंट पे क्लोरो, आयोडो क्लोरो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। और दूसरा है क्लोरो क्लोरोलिल हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, है ना, क्लोरो हाइड्रोक्सो क्विनोलिन हो गया। दीज ड्रग्स इंटरफेयरिंग द एसेंशियल एंजाइम ऑफ पैरासाइट, तो पैरासाइट के अंदर जो एंजाइम्स हैं जिनके मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन हो या रूटीन वर्क हो, उनको इंटरफेयर करते हैं, कौन से, हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। तो हेलोजिनेटेड देयर प्रोटीन है द ड्रग्स पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT ट्रैक्ट, तो GIT ट्रैक्ट पे कम अच्छे से इस्तेमाल होती है, सो दे आर इफेक्टिव ओनली इन इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। ओके, तो मेनली ये भी ये कि भाई जैसे हमने देखा था क्लोरोक्विन के बारे में एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल के केस में, यहाँ पे ये ल्यूमिनल या इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के काम को ठीक करने में ज़्यादा मददगार होते हैं। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वही यूनिवर्सल है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एलर्जिक रिएक्शन स्किन पे देते हैं, लीवर डैमेज ड्यू टू हेलोजन कंटेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, हेलोजिनेटेड होने की वजह से लीवर को ये डैमेज कर देते हैं। प्रिपरेशन डोज की बात करें तो डाई आयोडो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन टैबलेट आती 600 mg की, दिन में 3 बार 10 दिन तक दी जाती है। आयोडो क्लोरो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन टैबलेट 250 mg 3 बार 10 दिन तक दी जा सकती है। तीसरा, क्लोरो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन टैबलेट 50 mg दिन में 3 बार और 10 दिन तक या डेली दी जा सकती है, तब तक जब तक कि पेशेंट ठीक ना हो जाए, राइट। इस तरीके से आपका एंटी एमीबिक एजेंट कंप्लीट खत्म हुआ, जितनी रिक्वायरमेंट थी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय।